हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफ धीरज। मैं गुड़गांव में हूं और हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं पर सर्विस अपार्टमेंट के साथ कोलैप्स करके। यहां पे हमारे चार दिन का जो ट्रेनिंग सेशंस होने वाले हैं जिसमें हम उनके स्टाफ को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने वाले हैं। एक पूरी सीरीज इस ट्रेनिंग्स की आने वाली है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। अगर आप भी कोई फूड बिजनेस चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके स्टाफ के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करें तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। बाकी आप इन वीडियोज़ के सहारे से भी अपने जो एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रेनिंग का, तो जो पहले जो हमारी जो टॉपिक है वो ही हमारी डेली ब्रीफिंग का, ठीक है ना। अभी जो भी आप लोगों के डिपार्टमेंट है, आप चाहे हाउसकीपिंग से हैं, आप किचन से हैं, कोई सर्विस से है ना, तो आप लोग जो भी अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमारी डेली ब्रीफिंग का, ठीक है ना। तो जो हमारा सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या है, हमारी डेली ब्रीफिंग, ठीक है। अब डेली ब्रीफिंग का मतलब हमारा क्या है, ठीक है। अब डेली ब्रीफिंग हम लोग करते कैसे पहले, ठीक है। डेली ब्रीफिंग, ठीक है जी, डेली ब्रीफिंग्स हो गया हमारा, ठीक है। अब डेली ब्रीफिंग का मतलब क्या है, अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मैं एक डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है ना। तो आप में से हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट का हेड है ना। अब जो भी काम हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो हमको करना क्या है, एक ब्रीफिंग से स्टार्ट करना है। जितने भी लोग आपके किचन में काम कर रहे हैं ना, सबको आपको बुला के एक जगह इकट्ठा करना है। मैं बोलता हूँ पर्स की इस प्रॉपर्टी में पांच लोग काम कर रहे हैं, तो पांच लोग शुरू में जब आपका एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है मॉर्निंग में, तो सब जगह एक जगह इकट्ठा होंगे, ठीक है। एक आप लोगों को एक रजिस्टर बना लेना है, ठीक है ना, ठीक है, डेली ब्रीफिंग का, ठीक है ना। उसके अंदर आपके डेली ब्रीफिंग्स के अंदर, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ना, ठीक है। डेली ब्रीफिंग रिकॉर्ड। अब आपको अपने जितने भी पूरे जो टीम मेंबर हैं उनको इकट्ठा करना है, यानी कि अब दूसरे डिपार्टमेंट का, अगर मुझे इतना अभी आइडिया नहीं कि आपके सेक्शंस अलग हैं या सब आप लोग एक जगह मिलजुल के काम करते हो तो ज़्यादा बेटर है। तो सबको सुबह 1 बजे एक साथ इकट्ठा हो जाना है, ठीक है। अब आपको एक ब्रीफिंग करनी है। ब्रीफिंग में आप लोगों को क्या, एक रजिस्टर हम लोगों को यूज़ करना है, ठीक है ना। रजिस्टर आप लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके के अंदर आपकी आपको क्या डालनी है, डेट डालनी है, ठीक है ना। डेट हो गया, आपका मंथ हो गया और आपका एक ईयर हो गया, ठीक है। तो आज जैसे मैं बोलता हूँ कि आज भैया 23 तारीख है, तो 23 तारीख मार्च 2024, ठीक है। तो ये हमको सबसे पहले करना है। अब उसके अंदर हम लोगों को लिखना क्या है, ठीक है, लिखना क्या है, जो पिछले डे की जो भी कोई प्रॉब्लम्स हुई है हमारी, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ कि एक दिन पहले हमारे खाने में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, कोई गेस्ट की कोई कंप्लेंट आई थी, ठीक है, क्या मे बी गेस्ट की कंप्लेंट आई थी, हा? अब गेस्ट की क्या क्या कंप्लेंट्स होती हैं आप बताइए, नॉर्मली बताओ क्या 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 कंप्लेंट होती है गेस्ट की, जैसे हैं आप बताओ कैलाश जी, हाँ 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 जी हाँ जी, जी अब जैसे मेनली क्या आती है, मे भी जैसे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे हम लोग ट्रेनिंग्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो फूड सेफ्टी इन सब पे आएंगे, बट एक बेसिक कॉमन ग्राउंड हम लोग रेडी करें। या तो बोलता है बाल आ गया, ठीक है, या कोई बोलेगा टेस्ट नहीं है, या कोई बोलेगा ठंडा है, ठीक है, या कोई बोलेगा कि कम पोर्शन दे दिया, मेनली इस तरीके, या फिर कोई वेराइटी नहीं है, है ना। और यही अधिकतर हमारी कंप्लेंट रहती हैं, ठीक है। तो जो भी अगर आप लोग हो तो यहाँ पे ये भी पता चल जाता होगा कि कौन से रूम का गेस्ट और क्या बोल रहे हैं, और एक गेस्ट कितने टाइम तक यहाँ पे रहता है। सर कोई बर्थडे की भी होते, कोई मंथली होते, है ना, तो ऐसे लोग होते हैं जो मंथली भी होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से क्या होता है ना, जो कि जैसे मैं बोलता हूँ जो कि एक मंथ के लिए रह रहे हैं, तो उनकी तो मे भी कंप्लेंट हो सकती है कि भैया कि मुझे खाना सेम रोज मिल रहा है ना। बाकी तो बाल आना ये आना एक वो अलग पार्ट हमारा हो जाता है, ठीक है। तो एक सबसे पहले प्रॉब्लम हमारी ये हो जाती है कंप्लेंट। तो अब हम जो हमारे रजिस्टर में कोई अगर कुछ भी हो रहा है तो हमको सबसे पहले उसमें कंप्लेंट नोट डाउन करनी है ना। कितनी कंप्लेंट आती होंगी एक दिन में यहाँ पे, क्या नाम था आपका, है सुंदर, एक दिन में कितनी कंप्लेंट आती होंगी, पकड़ो इसको यहाँ पे से,
बोलो। हाँ सर, चार से पाँच, चार से पाँच कंप्लेंट आती है। कौन कौन सी कंप्लेंट्स होती है? जैसे कभी कभार ऑर्डर लेट हो जाता है, हाँ उसमें आता है, हाँ हाँ, कभी ठंडा चले जाता है तो। ठीक है ठीक है, तो उसके बाद आप लोग क्या करते हो, कुछ एक्शन होता है उसका? हाँ जी सर, दूसरा बना के फ्रेश बना के देते। हाँ चलिए ठीक है ना, आप दूसरा बना के देते हो, मतलब कि आपने क्या करा, आपने एक्शन ले लिया डायरेक्ट, ठीक है ना। आपने क्या करा भैया, आपने बोला कि भैया कंप्लेंट आई, तो आपने ले लिया सीधा एक्शन, है ना। अब आपने ले लिया सीधा एक्शन अगर कंप्लेंट आ गई तो, ठीक है। अब जो ये हमने एक्शन लिया वो तो उसी टाइम उसका सलूशन निकल गया, ठीक है। बट अगर वही कंप्लेंट बार बार आ रही है तो फिर क्या होगा, या फिर मुझे पता ही कैसे चलेगा कि बार बार आ रही है? तो उसके समाधान के लिए या उसके उसको हल करने के लिए हम लोग अपने एक डेली ब्रीफिंग का वो बनाते हैं, जिसमें कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट है हम लोग वो नोट डाउन करेंगे, है ना। और हर महीने उसके बाद आप उसको एनालाइज करेंगे कि भैया किस टाइप की कंप्लेंट ज़्यादा आ रही है। मैं बोलता हूँ कि महीने में 20 कंप्लेंट आ गई अलग अलग जगह से कि खाना ठंडा है, तो मतलब कि खाना ठंडा जा ही रहा है। तो उस बेसिस पे मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट प्रिक्योर करूँगा जिसमें कि खाना गर्म रहेगा, ठीक है ना। मे बी हॉट केस हो सकता है ना, मतलब खाना गर्म रखने के लिए। मे बी माइक्रोवेव हो सकता है कि भैया खाना ठंडा जा रहा है तो मैं उसी टाइम उसको गर्म कर दूँ दोबारा, है? मैं ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप रोटियां दे रहे हैं, तो रोटियां हो सकता है कि आप ऐसे ओपन में दे रहे हो तो आप एल्युमिनियम फॉइल उस पर लगाने लग जाएंगे, तो कुछ ना कुछ आप उसका क्या देने लग जाएंगे, समाधान उसका देने लग जाएंगे अगर कुछ भी कंप्लेंट आ रही है। तो डेली ब्रीफिंग में जो भी एक दिन पहले कंप्लेंट हुई होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक्शन तो आपको लेना ही लेना है, बट उसको हम लोग कंप्लेंट को उसमें हम लोग रजिस्टर जरूर करेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे होगा क्या हमारा इसके कंप्लेंट के बाद, कि कोई भी हमारे जो फीडबैक्स आए हैं, ठीक है ना, फीडबैक। अब कंप्लेंट अलग होता है, फीडबैक अलग होते हैं। अब फीडबैक लोग कहाँ पे देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना गूगल माई बिजनेस, गूगल पे आप लोगों के रिव्यू आ जाते होंगे, खाना अच्छा है बेकार है, या आपकी खुद की वेबसाइट है वहाँ पे आपको आ जाते होंगे, या कोई कस्टमर आपको ईमेल करके देता होगा, कोई फेसबुक में डाल देता होगा, कुछ भी डाल देता होगा, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें होती हैं, या कोई ऐसे हैंड रिटन आप लोगों को लिख के क्या कहते हैं वहाँ पे दे देता होगा, ठीक है। तो कोई भी तरीके से वो दे सकते हैं। अब फीडबैक दोनों चीज़ होती है, कंप्लेंट भी हो सकता है और एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है, मतलब कि आप लोगों की तारीफ भी हो सकती है। आते हैं वैसे तारीफ वाले, आते हैं कोई है? कैसे कैसे आते हैं जरा बताना। फूड के बारे में सर, फूड अच्छा था, है ना। हाँ हाँ, टाइम पर मिला, हाँ जैसे हमने चाहा वैसे हमने वो, हाँ जी ठीक है ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग कंप्लेंट को नोट डाउन कर रहे हैं तो हमको अपने जो फीडबैक्स को, जो कि अच्छे और बुरे, ठीक है ना, कि अच्छे और बुरे फीडबैक दोनों तरीके के होंगे, ठीक है ना, गुड भी होंगे और बैड भी होंगे, ठीक है जी। तो फीडबैक दोनों हो गए हमारे, गुड और बैड दोनों फीडबैक है हमारे। तो हमको अच्छे फीडबैक को भी हमको रिकॉर्ड करना है और बुरे फीडबैक को भी रिकॉर्ड करना है ना। मतलब अगर मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ बट कोई अच्छा भी है तो उसको अच्छा भी तो बोलना है ना, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें बाद में, जैसे वी विल स्टार्ट हियर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी कि आप लोग काम करें, है ना, कि किसके अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उसके बेसिस पे उसको वो चीज़ें हो रही हैं, अप्रेजल्स हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। आप लोगों को कोई अवार्ड या रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो वो इस बेसिस पे ही होगा। वो तभी चालू हो सकता है जब आपने कुछ कहीं पे रिकॉर्ड करके रखा है। जब तक वो मुंह जुबान ही चलेगा, क्योंकि बात की कोई कीमत नहीं होती भाई, है ना। कुछ भी होता है अगर वो कागज़ पे लिखा गया है उसको तभी मानते हैं, ठीक है ना। आप किसी की जगह पे कब्जा कर लो, बट लास्ट में जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो उसकी है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो गुड बैड हमारे, अच्छे बुरे दोनों तरीके के फीडबैक हमको वहाँ पे डिस्कस करने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारी कितनी ऑक्यूपेंसी है वो हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आप लोग अपनी प्रिपरेशन करोगे। क्योंकि जितने भी गेस्ट हमारे यहाँ पे हैं, आप लोगों को एडवांस में पता चल जाता होगा ना ये, तो अगर कोई रूम बुक करा है, ठीक है ना। तो तीसरा क्या हो गया, ऑक्यूपेंसी हो गया, ठीक है जी। ऑक्यूपेंसी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी कोई ऐसा सिस्टम है आप लोगों को पता चलता है कि भाई कितने गेस्ट आ रहे हैं, या आप उसके बेसिस पे आप लोग अपना खाना वगैरह प्रिपेयर करते हैं, ऐसा है कोई आप लोगों के पास यहाँ पे सिस्टम्स आपने पूछे हैं ऐसे भी, है ना। ठीक है, तो अभी उस बेसिस पे आप लोगों के फिर क्या एक्शन रहते हैं, कितना। मैं बोलता हूँ कि भाई आप 50 गेस्ट आ रहे हैं या 20 रूम लगे पड़े मेरे, ठीक है। तो अभी फिर आप मतलब किस तरीके से फिर उसको करते हैं फिर। अच्छा ठीक है, आप लोग उस प्रकार से अपना मीजा प्लस करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को तीसरी चीज़ ये लिखनी है, ठीक है ना। सेल्स का आप लोग रिकॉर्ड करते हो कुछ, सेल्स कितनी सेल्स हो रही हैं, या कोई फूड की कितनी सेल्स हुई हैं, हैं फूड की सेल्स का आप लोग रखते हो रिकॉर्ड।
अलग से रखते हो या कहीं एक सेपरेट या फ्रंट ऑफिस से ही रखते हैं सिर्फ, या आप लोग भी रखते हो कुछ रिकॉर्ड? आप लोग रखते हो रिकॉर्ड? ठीक है, मुझे आप लोग ना एक बार दिखा देना, ठीक है ना? ठीक है ना, सेल्स का रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना? ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कुछ भी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अपनी टीम को ब्रीफ करना है। जैसे ना किचन में दुनिया भर की चीज़ें चल रही है, ठीक है, अभी किचन में कई ऐसा होता है कि भाई कई सामान है जो कि हमको पहले यूज़ करना है, कई सामान है, ठीक है, जो कि मे बी अपनी एक्सपायरी डेट के कम एकदम समीप आ चुका है, ठीक है। किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब उन चीज़ों को भी हमको नोट डाउन करना है, ठीक है ना, हमको अपनी टीम को पास ऑन करना है। अभी जैसे ब्रेकफास्ट बन रहा है, ब्रेकफास्ट के बाद लंच बनेगा, लंच के बाद डिनर बनेगा, अब ये तीन चीज़ें एक चल रही है, बीच में आपकी आफ्टरनून की टी वी आ गई, फिर शाम की टी वी आ जाएगी हमारी। अब इसमें भी क्या होता है ना, इसमें भी फिर आपको मीजा प्लस बोलता है कि भैया मॉर्निंग वाला आफ्टरनून को ये दे के जाएगा हैंड ओवर, ये दूसरे को दे जाएगा, तो वो भी आपको रिकॉर्ड करके फिर उसको रखना है। आपने बोला कि भैया शाम वाले को ये काम करना है, हम लोग अपने मुंह से बोल के चले जाते हैं, बट वो कहीं नहीं, आप उसको भी अपने पूरा रिकॉर्ड करके रखो, ठीक है ना, मीजान प्लस को, मीजान प्लस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये हमारा एक फ्रेंच वर्ड होता है जिसका कि मतलब होता है प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक, ये चीज़ें हमको रिकॉर्ड करके रखनी है अपनी डेली ब्रीफिंग में। तो आप लोग जितने भी लोग हो अपनी अपनी साइट पे जाके कल से एक 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 रजिस्टर लगा लेना जिसमें डेली ब्रीफिंग का होगा, और ये चीज़ हमको डिस्कस करनी है उसमें, ठीक है ना। मतलब ये सबसे पहला काम आपको ये करना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको लग रहा है कि कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है, ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और आप लोगों को लग रहा है इम्पॉर्टेंट है तो उसको भी आप लोगों को अपने जो रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ये होगा, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ, चाहे ना एनी इम्पॉर्टेंट इशू, ठीक है ना। इसके भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इम्पॉर्टेंट इशू का मतलब है जैसे कुछ टेक्निकल हो गया, ठीक है, फ्रिज खराब हो गया, ठीक है, सप्लायर ने हमको सामान नहीं दिया, ठीक है, रात के लिए दाल नहीं रहेगी, सब्जी नहीं रहेगी, ऐसी होता है ना, हाउस कीपिंग का बोला सामान नहीं आया, यही चीज़ें रहती हैं। तो कुछ भी है वो भी कोई इंपॉर्टेंट इशू है, वो भी हमको लिख के रख लेना है ना। तो एक डेली बेसिस का ये आप स्टार्ट करना। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी लंबा लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, 5 मिनट का ही काम होता है। एटलीस्ट 5 मिनट आप लोग एक साथ इकट्ठा होके ना एक ये चीज़ें चालू कीजिए, इसका एक तगड़ा ही फिर हमारे को इफेक्ट हम लोगों को मिलता है।